हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू इजी है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां पर लर्निंग इजी है। आपको पता है कि मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने आती हूं, कुछ हम सीखते हैं और कुछ सिखाते हैं। ठीक है बच्चों, मैं आपसे भी कुछ सीखती हूं और आप मेरे से भी कुछ सीखते हैं, तो ये क्या है, टू वे लर्निंग है। यानी हम आपसे सीख रहे हैं और आप हमसे सीख रहे हैं। तो कैसे हैं आप सभी, सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, मज़े में मज़े में मज़े में बढ़िया बीत रहे हैं दिन। ठंडी बहुत हो रखी है, अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। जैसे कि आपको मैंने कई बार बताया है और आपको अपने आप भी पता होगा कि हमारी जो है बोर्ड एग्ज़ाम की डेट शीट क्लियर हो चुकी है। हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, तो जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करते रहिएगा। मैं आशा करती हूँ आपको जो जो अभी तक मैंने सिखाया है, पढ़ाया है, सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो जो कि हम बात कर रहे थे मैट्रिसेस की, और बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि क्या हम एक मंथ में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं। मैं बच्चों पूरे क्लियर के साथ कह सकती हूँ कि हम जल्दी जल्दी चलेंगे, ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और जितना जल्दी हो सके हम अपने सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बट हाँ, जब तक हमारे बोर्ड्स एग्जाम आएंगे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपको डरने की कोई भी बात नहीं है। ठीक है, तब तक आप बस मुस्कुराते रहो, हंसते रहो और अपनी पढ़ाई करते रहो। ठीक है जी, चलिए हम बात कर रहे थे बच्चों, मैट्रिसेस हमने सीखा। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि उसका जो जुड़वा भाई होता है उसको हम डिटर्मिनेट्स बोलते हैं। डिटर्मिनेट्स के बारे में हम कुछ बातें पढ़ रहे थे, कुछ सीख रहे थे, कुछ सिखा रहे थे। ठीक है, उस पर बेस हम क्या कर रहे थे, हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ की, जिस प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम डायरेक्टली ऑपरेशंस लगाते थे और जल्दी जल्दी हमारे डिटर्मिनेट का सॉल्यूशन हो जाता है। तो उसी के बेस पर मैं कुछ क्वेश्चन और लेके आई हूँ जिससे आप लोगों को करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको पता चले। देखो, डिटर्मिनेट में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई पर्टिकुलर नहीं है कि भाई यही क्वेश्चन आएगा, ये यहीं से उठ के आएगा, पर ऐसा कुछ आ सकता है। ठीक है, जहाँ पर बात होती है डिटर्मिनेट निकालने की, तो वहाँ पर तो आप ऑपरेशन लगाओ और निकाल लो। जहाँ पर बात आती है प्रूव करने की कि हमें इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, ठीक है, जैसे हमें इसको जीरो के इक्वल प्रूव करना है, यहाँ पर तो जीरो दिया है। जैसे कल हम क्वेश्चन कर रहे थे कि वहाँ पर कुछ ए बी सी करके कुछ टर्म्स लिखे हुए थे, तो हमें जब करते टाइम ये देखना है कि इस फॉर्म में हम कैसे ला सकते हैं, या इन टर्म्स के अपनी जो डिटर्मिनेट है इन टर्म्स में हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। तो जो हमारा प्रोसेस होता है, प्रोसेस ही वहाँ से स्टार्ट होता है कि जो हम प्रूव करेंगे या जो हमारी राइट हैंड साइड होती है वहाँ तक हम कैसे पहुँच पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन हमें बोल क्या रहा है उसकी बात सुन लेते हैं। अगर हम क्वेश्चन की बात ही नहीं सुनेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, और क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे तो हमें मार्क्स कहाँ से मिलेंगे। तो हमें इसकी बातें सुननी है, अपने जो प्रोसेस हमने सीखे हुए हैं, जो चीज़ें हमने सीखी हुई है, बस उनको फॉलो करते जाना है। कुछ नया करना नहीं है, रट्टा हमें मारना नहीं है, क्योंकि मैथ्स में रट्टा काम का नहीं होता। ठीक है जी, चलिए तो ये क्वेश्चन हमें क्या है क्या रहा है इसकी बात सुन लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर सब जगह वन है, यहाँ पर सब जगह कुछ कुछ दो टर्म्स लिखी हुई है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में कुछ 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 लिखा हुआ है। अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं इसको और इसको ऐड कर देती हूँ, मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला इन दोनों हम कॉलम्स को ऐड कर देते हैं, तो मैंने किसका ऑपरेशन लगाया, मैंने लगाया कॉलम ऑपरेशन। कॉलम ऑपरेशन लगाने के बाद मैंने क्या बोला कि C3 को C2 में ऐड कर देते हैं। मैंने क्या बोला कि C3 को C2 में ऐड कर देते हैं। C3 में ही क्यों चेंज कर रहे हैं हम, क्यों हम C3 की तरफ ही जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई है, यानी यहाँ से कुछ ज़्यादा चीज़ें कॉमन आने की ज़्यादा चॉइस हो सकती है हमारे पास, या हमें यहाँ से कुछ ज़्यादा अच्छा मिल सकता है जिससे हमारा रिजल्ट इजीली निकल जाए। तो हम क्या करेंगे, C3 में हमें चेंज करना है, यानी फर्स्ट कॉलम में कोई भी चेंज नहीं आएगा, फिर सेकेंड कॉलम में कोई भी चेंज नहीं आएगा, CA और AB। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके लिखना है। ए बी, मैं साथ के साथ इसकी मल्टीप्लाई भी करती जा रही हूँ, AC और प्लस BC। क्लियर हो गई भाई बात, हमने क्या किया साथ के साथ इन टर्म्स के अंदर मल्टीप्लाई भी कर देंगे और इन को ऐड भी करते जाएंगे। ठीक है, नीचे आ जाएगा BC AB प्लस CA, नीचे आ जाएगा CA प्लस CB प्लस AB।
इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को? क्लियर है सर? भाई देखो, गला बहुत खराब है, बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको भी पता चल रहा होगा आवाज से कि आवाज बैठी हुई है। फिर भी देख लो, मैं आपके सामने हूँ, आपको क्वेश्चन करा रही हूँ, तो इस चीज़ को वैल्यू देना प्लीज़, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि और लोगों का भी फायदा हो जाए, क्योंकि सबके भले में अपना भला। ठीक है जी, स्वार्थी नहीं होना है, सेल्फिश नहीं होना है। देखो, ए बी ए बी ए बी, ए सी ए सी ए सी, बी सी बी सी बी सी, यानी जो तीनों टर्म है वो क्या है? आइडेंटिकल, यानी एक जैसी है। तो हम क्या कर सकते हैं, थर्ड कॉलम में से क्या करेंगे, थर्ड कॉलम में से, थर्ड कॉलम की बात हो रही है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। फ्रॉम थर्ड कॉलम, फ्रॉम थर्ड कॉलम, ठीक है, क्या कॉमन लेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बच जाएगा उसकी बात करते हैं। यहाँ पर बचेगा वन वन वन, सेकेंड कॉलम एज इट इज रहेगा, बी सी ए सी और ए बी, थर्ड कॉलम में भी आ जाएगा वन वन और वन। ठीक है, अच्छा बच्चों, आपने यहाँ पर क्या देखा, मेरी जो फर्स्ट कॉलम है और जो मेरा थर्ड कॉलम है, क्या वो दोनों आइडेंटिकल हैं? तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम थर्ड आर आइडेंटिकल। और हमें ये पता है कि जब आइडेंटिकल माने तो एक एक हमारा एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए, और वहाँ पर तो सारे एलिमेंट एक जैसे हमें दिखाई दे रहे हैं। और जब हमारे कॉलम या रो आइडेंटिकल होते हैं, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम जब हमारे आइडेंटिकल होते हैं, तो हमारे डिटर्मिनेट की वैल्यू क्या होती है, जीरो। जब कोई भी रो या कोई भी कॉलम हमारे आइडेंटिकल होते हैं, तो हमारा जो डिटर्मिनेट होता है उसकी वैल्यू होती है हमारी कितनी, उसकी वैल्यू होती है हमारी जीरो। क्या आपको इतनी बात क्लियर है? क्या आपको इतनी बात क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात सुन लेते हैं, वो हमें क्या बोलना चाह रहा है उसकी भी सुन लेते हैं भाई। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, मुझे बताइए क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है कि उसमें जो फर्स्ट टर्म है, सेकंड एबीसी है, थर्ड क्यूब में है, क्या बोला है कि कुछ कुछ ऐसे ऐसे करके लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि सी टू माइनस सी वन, क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ सी टू माइनस सी वन, क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ सी टू माइनस सी थ्री या सी थ्री माइनस सी वन। भाई अगर मैं ऐसे कर दूँ कि ए माइनस बी, अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूँ, या फिर मैं इन दोनों को माइनस कर दूँ सी माइनस ए, क्या मैं ऐसे कर सकती हूँ? ऑब्वियस सी बात है, कर सकती हूँ। और बच्चों मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि जब भी हम ऑपरेशन लगाते हैं, अगर हम दो ऑपरेशन एक साथ तभी यूज कर सकते हैं। मान लो कि मैंने सी वन को चेंज करना है, क्या करना है, मैंने मैंने सी वन को चेंज करना है, और मैंने उस पर कोई ऑपरेशन लगा दिया, मैंने बोल दिया, या सपोज करो मैं मुझे सी टू पर ऑपरेशन लगाना है, मैंने बोला कि जो सी टू है वो सी टू माइनस सी वन है, मैंने क्या बोला कि जो मेरा सी टू है वो सी टू माइनस सी वन है, फिर मैंने बोला जो मेरा सी थ्री है वो सी थ्री माइनस सी वन है। अब मैं आपको एक बात बताना चाह रही हूँ कि डबल ऑपरेशन या एक साथ दो ऑपरेशन हम तभी लगा सकते हैं जब डिफरेंट डिफरेंट कॉलम या डिफरेंट डिफरेंट रोज की बात हो रही है। एक पर्टिकुलर रो पर हम एक टाइम पे दो ऑपरेशन नहीं लगा सकते, या एक पर्टिकुलर कॉलम पर हम एक साथ दो ऑपरेशन नहीं लगा सकते। यहाँ पर सी टू और सी थ्री यानी दो अलग अलग कॉलम की बात हो रही है, जब दो अलग अलग चीज़ों की बात होती है तो वहाँ हम दो ऑपरेशन लगा सकते हैं। क्लियर हो गई बात? क्लियर है जी। यानी जो हमारा फर्स्ट कॉलम है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, उसको हम लिखेंगे एज इट इज। क्या करेंगे, एज इट इज। मैंने ऐसा ही क्यों किया कि सी टू माइनस सी वन, सी टू में से सी वन जाएगा, या मैंने ऐसा ही क्यों किया कि सी थ्री माइनस सी वन,
मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम ऑपरेशन लगाते हैं तो हमें अपने प्रूवन पार्ट पर ध्यान देना होता है कि जो हमें प्रूव करना है वो क्या है। हमें किस चीज़ पर ध्यान देना है बच्चों? हमें उस चीज़ पर ध्यान देना है कि जो हमें प्रूव करना है क्या वो हमें यहाँ से मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा। ठीक है, तो प्रूवन पार्ट पर ध्यान दिया। अब हम क्या करेंगे? देखो, वन में से वन जाएगा, जीरो, सी टू माइनस सी वन। बी में से ए जाएगा, बी माइनस ए, बी क्यूब माइनस ए क्यूब। सही बात है जी। फिर ये जीरो, सी माइनस ए, सी क्यूब माइनस ए क्यूब। क्या हम बोल सकते हैं ऐसे? क्या हम ऐसे बोल सकते हैं? इतनी बात क्लियर हो गई? क्लियर है। अब मैं आपको एक बात बोलती हूँ कि अगर मैं सेकंड कॉलम में से बी माइनस ए और थर्ड कॉलम में से सी माइनस ए कॉमन लेती हूँ तो क्या हो जाएगा? अगर मैं सेकंड कॉलम में से बी माइनस ए और थर्ड कॉलम में से सी माइनस ए कॉमन लेती हूँ, क्या आपको एक फॉर्मूला पता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? वो होता है बच्चों ए माइनस बी एंड ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या आपको पता है ऐसा एक फॉर्मूला होता है? पता है आपको? तो जब मैं बी क्यूब माइनस ए क्यूब करूंगी, बी क्यूब माइनस ए क्यूब करूंगी, तो वो क्या हो जाएगा? बी माइनस ए, और बचेगा क्या? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी। या फिर जब मैं सी क्यूब माइनस ए क्यूब करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? कि सी माइनस ए, सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी। मुझे क्या मिलेगा बदले में? क्या बदले में मुझे ये सब मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा। तो जब हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा? देखो, यहाँ से मैं बी माइनस ए कॉमन लूँगी, कहाँ से? सेकंड कॉलम से। थर्ड कॉलम से मैंने सी माइनस ए कॉलम लिया, यानी मेरे फर्स्ट कॉलम पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। मेरे फर्स्ट कॉलम पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सेकंड कॉलम हो जाएगा मेरा जीरो, वन, बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी। थर्ड कॉलम हो जाएगा मेरा जीरो, वन, ए स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए सी। क्या ऐसा दिखाई देगा? क्या हमारा जो रिटर्न में आएगा क्यों वो ऐसा दिखाई देगा? अब मैं आपको बोलूं कि आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए, जैसे हम नॉर्मली अपना डिटरमिनेट फाइंड आउट करते हैं, अगर मैं अपने इस चीज़ को एक्सपेंड करने लगूं तो मुझे क्या मिलेगा? देखिए, बाहर क्या है? बाहर है बच्चों बी माइनस ए, फिर है मेरा सी माइनस ए। जब मैं इसको वन के रिगार्डिंग ओपन आउट करूंगी तो क्या बच जाएगा? वन, वन की इसमें मल्टीप्लाई और इसकी इसमें मल्टीप्लाई, यानी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी। और जब मैं इसकी इसमें मल्टीप्लाई करूंगी तो सारे टर्म माइनस के ए बी, ऐसा आएगा। मैंने यहीं पर बंद क्यों कर दिया? आप बोलोगे मैम डिटरमिनेट तो तीन टर्म्स के साथ खुलता है, चाहे कॉलम की बात हो रही हो चाहे रो की बात हो रही हो। देखो, जब मैं इसके करस्पोंडिंग लूंगी तो ये जीरो है तो सारी टर्म जीरो, मैं इसके करस्पोंडिंग लूंगी ये जीरो है तो सारी टर्म्स ऑलरेडी ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएंगी। तो मेरा जो रिटर्न आंसर आएगा, जो मेरा फाइनल आंसर आएगा, वो आएगा बी माइनस ए सी माइनस ए। देखो, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट आउट हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट आउट हो जाएगा। मैं बात करूँ सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए सी माइनस ए बी, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, देगा मुझे ऐसा दिखाई। अगर मैं इसको ओपन आउट करूँ सी माइनस बी और सी प्लस बी, अगर मैं इसमें से माइ प्लस ए कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे बच जाएगा सी माइनस बी, ठीक है, और बाहर आ जाएगी बी माइनस ए और सी माइनस ए। क्या इतनी बातें आप लोगों को क्लियर है? क्या इतनी चीज़ें क्लियर हो पाई हैं? इसमें कुछ नहीं है, बस चीज़ें अब आपको क्या करनी है, कॉमन लेनी है, कुछ माइनस प्लस का खेल खेलना है और चीज़ें हो जाएंगी क्लियर। देखो, क्या मैं बी माइनस ए को ए माइनस बी लिख सकती हूँ? माइनस कॉमन ले लिया ए माइनस बी, ये हो जाएगा सी माइनस ए, ठीक है। यहाँ से मैंने सी माइनस बी कॉमन लिया, सी माइनस बी, ये क्या हो जाएगा अंदर ए प्लस बी प्लस सी।
क्या मैं सी माइनस बी को में से माइनस कॉमन ले सकती हूँ? जब माइनस कॉमन लूंगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, और अंदर आएगा ए प्लस बी प्लस सी। क्या मेरा जो फाइनल आंसर आया है मैं उसको आरएचएस बोल सकती हूँ? आपने बोलोगे जी बिल्कुल बोल सकते हैं, ये तो उसके जैसा ही दिखाई पड़ता है कुछ। जब ये चीज़ उसके जैसी ही दिखाई पड़ रही है तो दैट मीन्स आवर रिजल्ट हैज़ बीन प्रूवन, हमारा रिजल्ट प्रूव हो चुका है। और इससे हमें क्या मिलता है सीखने को कि जब भी हमें किसी चीज़ को प्रूव करना होता है या रिटन फॉर्म में लिखकर दिखाना होता है तो हमें सबसे पहले अपने राइट हैंड साइड पर ध्यान देना होता है। राइट हैंड साइड पर जब ध्यान देंगे तो हमें पता चलेगा कि हम क्या ऑपरेशन इसमें यूज़ कर सकते हैं, या हमें कॉलम के साथ ऑपरेशन लगाना है या हमें रो के साथ ऑपरेशन लगाना है। जिसके साथ भी हमें ऑपरेशन लगाना होगा वो हमें राइट हैंड साइड में देखते ही पता चल जाएगा और ईजिली वहाँ से हम चीज़ों को प्रोसेस करेंगे। जब चीज़ों को प्रोसेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ठीक है जी, क्लियर है सभी को? देख सकते हैं हमने क्या क्या किया है। हमने कुछ नहीं किया, सी टू में से पहले सेकंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को माइनस किया, थर्ड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को माइनस किया, यानी इन चीज़ों को हमने क्या किया पहले ही जीरो बना लिया, जिससे हमारा क्वेश्चन आगे जाके अपने आप क्लियर हो जाए। आपने सोचा होगा कि हमने ये क्यों नहीं किया कि ए माइनस बी, हम ऐसे भी कर सकते थे, पर हमारा मेन पर्पज़ होता है या तो इन दो टर्म्स को जीरो बनाना या फिर इन दो टर्म्स को जीरो बनाना। ऐसा करने से जब हम अपने डिटर्मिनेट्स को ओपन आउट करते हैं या उसे प्रोसीड करते हैं या एक्सपेंड करते हैं, तो ऐसा करने से हमारी कैलकुलेशन सॉर्ट हो जाती है और सॉर्ट कैलकुलेशन से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है और वहाँ पर हमारा टाइम सेव हो जाता है, वहाँ पर हम बहुत सारे बच्चों से आगे निकल जाते हैं। ठीक बात है जी, आगे चलें। आगे वाला क्वेश्चन हमें क्या बोलता है उसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ये भी कुछ उसके जैसा दिखाई दे रहा है, कुछ कुछ उसके जैसा आपको दिख रहा होगा, इसमें एक्स वाई जेड है सब जगह, कुछ कुछ उसी के जैसा ये दिख रहा है। देखेंगे कि ये क्या बोलता है, इसकी भी सुन लेते हैं, क्योंकि जब तक क्वेश्चन की नहीं सुनेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। चलिए करते हैं। अगर मैं बोलूँ कि मैं इन दोनों टर्म्स को माइनस करूं, ठीक है, क्या मैं ऐसा बोल सकती हूं कि मैं इन दोनों टर्म्स को माइनस कर दूं? क्यों ऐसा बोल रही हूं मैं? क्योंकि मुझे सब जगह एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई दिख रहा है, दिख रहा है ना। या मैं ऐसा भी कर सकती हूं इन दोनों को माइनस कर दूं, क्योंकि मुझे सब जगह एक्स जेड भी दिख रहा है। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, मेरा एक टर्म बाहर आ जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों ऐसा करने से मेरा एक टर्म बाहर आ जाएगा, आर वन माइनस आर टू कर देंगे। आर वन क्या बन जाएगा मेरा, देखो ये बन जाएगा एक्स माइनस वाई, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा वाई जेड माइनस जेड एक्स। सेकेंड रो पर कोई इफेक्ट नहीं है, उसको एज इट इज रख देंगे, जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई। क्लियर हो गई बात? अब मैं आपको बोलूं क्या मैं यहाँ से सब जगह से x माइनस वाई कॉमन ले सकती हूँ? आप बोलोगे जी बिल्कुल ले सकते हैं। कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, x माइनस वाई क्या इफेक्ट आएगा, वन x प्लस वाई और यहाँ पर आ जाएगा माइनस जेड। क्यों आ जाएगा माइनस जेड, क्योंकि ये वाई जेड माइनस जेड एक्स, और जब हम यहाँ से जेड कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा वाई माइनस एक्स, और हमें क्या चाहिए एक्स माइनस वाई, तो हम क्या करेंगे माइनस जेड कॉमन लेंगे, इसलिए ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा माइनस जेड। समझ आया। और अब नेक्स्ट वाले प्रोसेस हम एज इट इज रख देंगे, वाई स्क्वायर जेड एक्स जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। क्लियर बात हो गई? क्या मैं आर टू माइनस आर थ्री कर सकती हूँ? क्या मैं आर टू माइनस आर थ्री कर सकती हूँ ना जी, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए करते हैं। अब हमें करना है आर टू माइनस आर थ्री, ठीक है, किस में चेंज आएगा, आर टू में। चलिए x माइनस वाई हमारा ऑलरेडी बाहर है, x माइनस वाई
जब हम फर्स्ट कॉलम हमारा एज इट इज है 1, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, फर्स्ट कॉलम हमारा एज इट इज है, फर्स्ट रो हमारी एज इट इज है, फिर हमें सेकंड रो में चेंज करना है, सेकंड रो में चेंज वाई माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और थर्ड इज जेड एक्स माइनस एक्स वाई। फिर जो मेरा थर्ड रो है जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई, इसको हमने क्या किया, इसको हमने एज इट इज रखा एक बार में एक के साथ प्रोसेस, इसको हमने क्या किया एज इट इज। अब मैं क्या सब जगह से वाई माइनस जेड कॉमन ले सकती हूँ, क्या मैं सब जगह से वाई माइनस जेड कॉमन ले सकती हूँ? आप बोलोगे कि जी बिल्कुल ले सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा कॉमन लेने के बाद, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, चेंज क्या आएगा, फर्स्ट रो एज इट इज सेकंड रो वाई प्लस जेड, और यहाँ पर भी माइनस एक्स बच जाएगा। क्या बच जाएगा बच्चों, यहाँ पर भी माइनस एक्स, जैसे यहाँ पर बचा था माइनस का जेड, ऐसे ही वहाँ पर बच जाएगा माइनस एक्स। थर्ड कॉलम थर्ड रो हमारी एज इट इज रह जाएगी, एज इट इज रह जाएगी। अब मैं क्या आपको बोल सकती हूँ कि क्या मैं आर वन को इन दोनों को माइनस कर सकती हूँ, क्यों, क्योंकि इसकी वजह से मेरी एक टर्म जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगा, जब मैं इसमें से इसको माइनस करूँगी तो क्या बन जाएगा, एक टर्म मेरी जीरो बन जाएगी। कैसे, चलिए यहाँ पर लिखते हैं, मैं लिखूँगी R1 माइनस आर टू, आर वन को चेंज किया। अब आप बोलोगे कि आर वन को ही क्यों चेंज किया यार आपने, क्योंकि जब मेरा ये वाली चीज जीरो हो जाएगी तो मेरी आधी कैलकुलेशन वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। कैसे, जब मैं फर्स्ट रो में चेंज करूँगी, देखो ये चीज़ तो साथ के साथ है ही, ये तो आपको ध्यान रखना है, पर वहाँ पे जगह नहीं है इसलिए हम इस चीज़ को ही कर रहे हैं। वन में से वन जाएगा जीरो, वाई में से ये जाएगा जेड माइनस एक्स, इसमें से ये जाएगा जेड माइनस एक्स, ठीक है। फिर यहाँ पे वन वाई प्लस जेड माइनस एक्स, जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई, देखो कितना बेनिफिट हुआ। जब मैंने सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया, मैंने क्या किया, सेकंड में से जब मैंने फर्स्ट को माइनस किया तो मुझे क्या मिल गया, देखो यहाँ पर जीरो मिल गया, इसकी वजह से मेरी सारी कैलकुलेशन खत्म हो जाएंगी। अरे यार मैंने किया था आर वन माइनस आर टू, तो आर वन माइनस आर टू करने से एक्स माइनस जेड होगा, ये क्या होगा, एक्स माइनस जेड यहाँ पर भी एक्स माइनस जेड ठीक है, ये हो जाएगा वाई प्लस जेड, ठीक है ये हो जाएगा माइनस एक्स, ठीक है जी। क्या मैं बोल सकती हूँ कि ऊपर से मैं एक्स माइनस जेड कॉमन ले सकती हूँ, क्या मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि ऊपर से एक्स माइनस जेड कॉमन ले सकती हूँ? जी बिल्कुल ले सकते हैं। आप ये बोलोगे कि हमने जब आर टू माइनस आर वन लिख दिया था तो उससे क्या इफेक्ट हो गया था, चीज़ें तो सेम आनी थी। नहीं, उससे इफेक्ट हो गया था, क्यों, क्योंकि जब हमने स्टार्टिंग से प्रोसेस करना शुरू करा, मान लो मुझे R1 में चेंज करना है तो मैंने R1 से स्टार्ट किया, फिर मैंने R2 में चेंज करना है तो मैंने R2 में चेंज करना था तो R2 में से ही माइनस या प्लस किया था, ठीक है। और अगर मैं शुरू से ही उल्टा लेकर चल दी, R1 में चेंज करने के लिए R2 से स्टार्ट करती, या R2 में चेंज करने के लिए R3 में से R2 को माइनस करती, तो मेरा सही था। पर जब हम पहले से ही सीधे जा रहे हैं तो वहाँ पर जाकर नेगेटिव साइन का इफेक्ट गलत हो जाता और वहाँ हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता। इसलिए मैं बोलती हूँ कि बहुत ध्यान से करना है। आपको एक बार भी C1 C2 या C1 C1 कर दिया या R2 माइनस R1 या R1 माइनस R2 कर दिया, स्टार्ट हमने जैसे किया है ना, हमें एंड भी ऐसे ही करना है। ये नहीं कि कहीं पर इसमें से ये माइनस कर दिया तो कहीं में से उल्टा माइनस कर दिया, ऐसे नहीं करना। अगर ऐसे करेंगे तो माइनस का झोल हो जाएगा और क्वेश्चन प्लस माइनस में जाके ही फंस जाएगा, और ऑप्शन वहाँ पर हमें दोनों मिलेंगे, प्लस वाला भी मिलेगा और माइनस वाला भी मिलेगा, और वहाँ जाकर क्वेश्चन जीरो। मेहनत करी, लॉन्ग प्रोसेस किया, इतने दिमाग लगा के क्वेश्चन को सोल्व किया और एक स्टेप ने सारा क्वेश्चन
जीरो। क्लियर बात है जी। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ से x माइनस जेड कॉमन ले लोगे फर्स्ट रो में से। तो देखो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, क्या मैं इधर का पोर्शन मिटा दूँ, क्या मैं इधर का पोर्शन रफ कर सकती हूँ। चलिए क्या क्या हो जाएगा मेरे पास, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और वो हो जाएगा हमारे पास x माइनस जेड। ठीक है, क्या हो जाएगा x माइनस जेड। और जो फाइनल आएगा वो क्या आएगा, देखो वहाँ पर जीरो वन वन वन, वाई प्लस जेड माइनस एक्स, जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई। क्लियर है जी बात। देखो यहाँ पर जीरो है, जब मैं इसको एक्सपेंड करूँगी यहाँ पर जीरो है तो सारी टर्म जीरो हो जाएंगी एक्सपेंड करने पर। ये तो याद रखना ही है, ये तो हमारे साथ चल रहा है, मैं खाली इसको एक्सपेंड कर रही हूँ जिससे टाइम सेव हो जाए हमारा। तो पहले वाले के साथ तो जीरो ही आएगा, माइनस वन, वन के साथ ये वाला छुप जाएगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी यानी एक्स वाई, माइनस की इसमें मल्टीप्लाई होगी प्लस। क्लियर हो गया, क्योंकि माइनस पहले से ही था हमारे पास, तो प्लस प्लस वन। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर, इसकी इसमें मल्टीप्लाई माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर। ठीक बात है, देखो जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड, ये आ गया। ठीक है, यहाँ पर क्या आया हमारे पास, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और एक्स माइनस जेड। देखो अगर मैं यहाँ से वन कॉमन ले लूँ तो मुझे ये टर्म मिल जाएगी, ये में मुझे मिल गई, ये मुझे मिल गई। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये एक्स माइनस जेड हो जाएगा, जब मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँगी तो ये टर्म भी मुझे मिल जाएगी। तो माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, माइनस यहाँ से कॉमन लिया, माइनस यहाँ से कॉमन लिया, तो जब दोनों जगह से माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। और जो मेरा फाइनल आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। एंड वी कैन से दिस इज आवर प्रूवन डिटर्मिनेट फॉर्म। देखो ये मेरा एल एच एस था, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, और ये हमारा आर एच एस है, यहाँ पर हमने फिनिश किया है। जब हमारी वैल्यू सेटिस्फाई हो गई तो हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी खत्म हो गया। सो दिस इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन।